हेलो गाइस सो अभी तक हमने जनरल हमने माइक्रो ऑर्गनिजम्स एंड डिजीज कॉजिंग माइक्रोर्ग्नीजम्स के बारे में बात कर ली है उन वो कैसे वो लोग डिज़ीज़ फैलाते हैं कैसे उनका प्रिवेंशन किया जाए ये सब हमने पर्सनल हाइजीन कम्युनिटी हाइजीन ये सब के बारे में हम बात कर चुके हैं नाउ टुडे विल डिस्कस विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ इम्यूनिटी सो वॉट इज़ इम्यूनिटी द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लेकिन उससे पहले अगर हम ये बात करें तो हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गनिजम्स हैं जो कि डिजीज़ कॉज कर सकते हैं फिर ऐसा क्यों नहीं होता है कि हर एक डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गनिज्म की वजह से हमें डिजीज़ हो हमें तो सिर्फ कुछ ही माइक्रो ऑर्गनिज्म की वजह से डिजीज होती है तो ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी के पास एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी के पास एक डिफेंस मकैनिज़म है जिसकी वजह से वो ज़्यादातर जो एजेंट्स है उससे लड़ लेती है और हमें डिजीज़ फ्री रखती है अब अब आते हैं हम वॉट इज़ इम्यूनिटी पे तो इम्यूनिटी को अगर मैं बेसिकली एक लाइन में डिफ़ाइन करूँ तो इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ दी होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज़म टू फाइट द डिज़ीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म तो क्या बोला मैंने मैंने ये बोला कि होस्ट की जो एबिलिटी होती है टू फाइट द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज इम्यूनिटी अब ये कैसे करता है विद द हेल्प ऑफ इम्यून सिस्टम विद द हेल्प ऑफ इम्यून सिस्टम तो हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है अलग अलग तरह की जितनी भी तरह की डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन्स हैं उनसे तो मोस्ट ऑफ़ द पैथोजन्स जो है वो हमको डिजीज़ नहीं पहुंचा पाते कुछ एक जो है जो हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को बाईपास कर जाते हैं वो हमें डिजीज़ कॉज करते हैं ठीक है तो अब अगर मैं बात करूँ तो इम्यूनिटी की तो ये कितने तरह की होती है दो तरह की होती है इम्यूनिटी इम्यूनिटीज़ ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट इज इट इम्यूनिटी सेकेंड इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी ठीक है अब वॉट इज़ सबसे पहले हम बात करते हैं वॉट इज़ इन्नेट इम्यूनिटी तो इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि प्रेजेंट होती है सिंस बर्थ ठीक है प्रेजेंट सिंस बट जो कि हमको बर्थ के साथ प्रेजेंट होती है हमारे पास मतलब कोई आपको अलग से कोई एंटीजन या कोई भी आपको पैथोजन आने की जरूरत नहीं है ये आप अपने साथ हर एक जो है पर्सन वो अपने साथ लेकर कर भी पैदा होता है ठीक है तो अब ये जो होती है क्योंकि ये बर्थ के साथ होती है ये नॉन स्पेसिफिक टाइप होती है ठीक है ये नॉन स्पेसिफिक टाइप कैसे होती है ये अभी बाद में समझाएंगे ठीक है अब ये इसमें ऐसा क्या होता है इनट इम्यूनिटी के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे कि हमें डिफेंस मिलता है माइक्रो uh, से तो ये ऐसा होता है कि ये बैरियर्स प्रोवाइड करवाता है ठीक है बैरियर्स प्रोवाइड करवाता है ठीक है कैसे बैरियर स्प्रेड करवाता है जैसे कि हम ये बोलते हैं कि हम हमारा घर है ठीक है तो कोई भी हम हम चाहते हैं कि कोई भी जो जिसको हम नहीं जानते वो इंसान हमारे घर में नहीं आ पाए तो हम ऐसा क्या करें तो हम दरवाजा है घर पर तो वो एक तरीके से बैरियर है वो हर किसी को आने नहीं देता हम जिसको चाहेंगे उसके लिए हम दरवाजा खोलेंगे तो उसी तरीके से जो इमेट इम्यूनिटी होती है वो बैरियर प्रोवाइड करवाती है ठीक है अलग अलग तरह के बैरियर स्प्रेड करवाती है ताकि जो भी फॉरन एजेंट्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना हो पाए ठीक है तो अब ये जो बैरियर्स हैं इनकी मैं बात करूं तो ये चार तरीके के होते हैं ठीक है चार के बैरियर्स होते हैं पहला फिजिकल बैरियर फिजिकल बैरियर के अंदर क्या आते हैं फिजिकल बैरियर के अंदर आते हैं आपकी स्किन एंड म्यूकस स्किन जो हमारी जो स्किन होती है अब अगर हम अपनी चमड़ी की बात करें तो ये डेड होती है ठीक है जो आपकी स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो डेड होती है ठीक है उसमें कोई भी तरह का लिविंग सेल वगैरह नहीं मिलेगा आपको ठीक है आपने पढ़ा भी होगा पहले कि कैरेटीनाइज होता है कैरेटिन प्रोटीन मिलता है हमारी स्किन पर तो वो डेड होती है अब क्योंकि वो डेड होती है तो जो भी माइक्रोव आएगा उसको ग्रो करने के लिए कोई एनवायरमेंट नहीं मिल पाएगा एनवायरमेंट नहीं मिल पाएगा तो ग्रो नहीं कर पाएगा तो फिर स्किन एक तरीके से बैरियर का काम करती है ये ज़्यादातर एपैथोजनस को एंट्री को रोक लेती है फिर एक है म्यूकस अब आप जानते हैं जैसे कि हमने पढ़ा है हमारे ज़्यादातर जैसे हमारे पास है रेस्पिरेटरी ट्रैक ट्रैक्ट है हमारे पास ठीक है हमारे पास गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है हमारे पास यूरोजिनाइटल ट्रैक्ट है ठीक है ये अलग अलग तरह के जो ट्रैक्ट्स हैं ठीक है हमने पढ़ा है एलेवंथ के अंदर कि इन ये इन सबको कौन से किस चीज़ से कवर रहते हैं ये सारे के सारे जो हैं ये एपिथीलियम से कवर रहते हैं ठीक है अलग अलग तरह के एपिथीलियम से कवर रहता है ये आपने आपने एलेवंथ में पढ़ा होगा कि ये अलग अलग तरह के एपिथीलियम से कवर रहते हैं ठीक है अब ये जो एपिथीलियम होता है ना उसके ऊपर एक म्यूकस की कोटिंग होती है इन सभी एपिथेलियम के ऊपर क्या होता है म्यूकस की कोटिंग होती है अब क्योंकि इस म्यूकस की कोटिंग होती है तो कोई भी मान लीजिए अगर एक बार स्किन को स्किन से होते हुए अगर कोई माइक्रो ऑगनिजम अंदर आ भी गया या कहीं से भी होते हुए अपने माउथ से कहीं से भी अंदर आ गया और वो अगर आपके ऑर्गन को इन्फेक्ट करना चाहे तो उससे पहले उसको इस म्यूकस की कोटिंग से गुजरना पड़ता है तो म्यूकस की कोटिंग जो होती है वो ट्रैप कर लेती है उस माइक्रो ऑगनिज्म को वो उसको आगे जाने नहीं देती तो एक तरीके से ये भी म्यूकस की जो कोटिंग है वो भी एक बैरियर का काम करती है तो हमने पहला बैरियर पढ़ा विच इज़ फिजिकल बैरियर उसमें कौन कौन आ गए स्किन एंड म्यूकस ठीक है दूसरा बैरियर दूसरे बैरियर की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज फिजोलॉजिकल ठीक है फिजोलॉजिकल बैरियर अब फिजोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या होता हैं तो एक तो आपका आ गया एसिड इन स्टमक ठीक है एसिड इन स्टमक जो आपको हमको पता है स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट है एच सी एल जिसको हम बोलते हैं जिसकी वजह से उसका पी एच जो है स्टमक का पी एच वो भी कम रहता है एसिडिक पी एच होता है तो वो जो एसिड होता है स्टमक के अंदर वो भी एंट्री नहीं करने देता जैसे हमने बोला था कि जो भी माइक्रो ऑर्गेजम अंदर आएगा उसको आके अडेप्ट करना पड़ेगा अंदर जैसे अगर मान लीजिए स्टमक में आता है तो कम पी एच में रहने की उसको सर्वाइव करने की सीखना पड़ेगा कैसे तो ऐसा हर एक माइक्रो ऑर्ग्निजम नहीं कर सकता है कुछ ही कर सकते हैं तो ज़्यादातर जो जो है वो स्टमक के एसिड की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इसके अलावा सलाइवा इन माउथ हमारे माउथ का जो सलाइवा है जो अगर कुछ पैथोजन हमारे माउथ में के थ्रू अगर बॉडी के अंदर आते हैं तो वो सलाइवा के थ्रू रुक जाते हैं ठीक है जो सलाइवा है वो भी उनको डिस्ट्रॉय करने का काम आता है क्योंकि सलाइवा में भी कई तरह के एंजाइम्स और काफ़ी कुछ प्रेजेंट होता है ठीक है इसके बाद बात करूँ मैं टीयर्स फ्रॉम आइज जो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं वो भी एक तरीके का बैरियर का, का काम करते हैं ठीक है ये लोग क्या करते हैं ये सारे के सारे जो है एसिड इन द स्टमक या फिर सलाइवा इन द माउथ या फिर टीयर फ्रॉम द आइज ये माइक्रोबियल की ग्रो माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनिबिट करते हैं ये माइक्रो की ग्रोथ नहीं होने देते हैं ठीक है इस तरीके से बेरे का काम करते हैं थर्ड अगर मैं बात करूँ तो सेलुलर ठीक है अब हम सबको ये पता है कि जो डब्ल्यू बी सी जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो पांच तरह के होते हैं ठीक है मोनोसाइट्स न्यूट्रोफिल बेसोफिल लिम्फोसाइट्स ठीक है ये सारे जो हैं ये हमारे डब्ल्यू बी सी होते हैं पांच तरीके के हो गए ठीक है मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट्स बेसोफिल योसिनोफिल न्यूट्रोफिल ठीक है अब इनमें से कुछ डब्ल्यू बी सी जो होते हैं वो हम थर्ड बैरियर जो कि सेलुलर बैरियर में काम करते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स ठीक है न्यूट्रोफिल्स को मैं बोलूँ तो एक इसको एक और नाम दिया जाता है पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स ल्यूकोसाइट सॉरी ल्यूकोसाइट्स ठीक है क्योंकि डब्ल्यू का दूसरा नाम क्या है ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यू का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स तो न्यूट्रोफिल्स का एक और नाम और दिया गया है पॉलीमोरफोन न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट ठीक है तो एक तो न्यूट्रोफिल्स आ गए ठीक है एक आ गए मोनोसाइट्स ठीक है और एक जो है लिम्फोसाइट्स ठीक है लिम्फोसाइड्स का यहाँ पे सेलुलर जो आपका बैरियर है उसमें नाम दिया जाता है एनके सेल्स विच इज़ नेचुरल किलर सेल्स ठीक है ये तीन तरह के तो ये सेल्स हो गए एंड मैक्रोफेजेस ये सारे के सारे आते हैं सेलुलर इम्यूनिटी के अंदर जो जो सेलुलर हमारा बैरियर है इनट इम्यूनिटी के अंदर जो सेलुलर बैरियर है उसमें कौन कौन आता है एक तो आपके पास आएगा मोनोसाइट्स एक आएगा आपके पास लिम्फोसाइड्स ठीक है लिम्फोसाइड्स में यहाँ पे क्या नाम दिया है नेचुरल किलर सेल्स ठीक है वो एक तरीके के लिफोसाइड्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स जिसका दूसरा नाम क्या है पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स और माइक्रोफेजिस अब ये लोग क्या करते हैं ये लोग करते हैं फेगोसाइटोसिस ठीक है ये लोग फेगोसाइटोसिस करते हैं मान लीजिए कोई भी आपका जो माइक्रो ऑगनिज्म है वो अंदर आ गया ठीक है अब अंदर आ गया तो उसको डिस्ट्रॉय कैसे करें तो ये लोग उसको डिस्ट्रॉय करते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज फेगोसाइटोसिस अब इस प्रोसेस में होता क्या है मान लीजिए ये आपका मैक्रोफेज है ठीक है अब अंदर ये कोई बाहर आया आपका माइक्रो ऑगनिजम आया तो अब मैक्रोफेज जो है वो बिल्कुल अपना इसको इंगल्फ करने के लिए ऐसे अंदर कर लेगा ये जो इनका जैसे अमीबा के अंदर आपने पढ़ा उसका सीडोपोडियो होता था उसी तरीके से ये भी अपनी मेम्बरीन को ऐसे अंदर की तरफ ले लेगा ठीक है माइक्रोगनिज्म अंदर आया और फिर उसको इनगल्फ कर लेगा ठीक है और अंदर जाके अंदर जो होती है काफ़ी सारी एंजाइम्स होती है माइक्रो माइक्रोफेजस के अंदर जो कि अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय कर देती है उस पैथोजन को ठीक है ये जो प्रोसेस होता है दिस प्रोसेस इज सोन फेगोसाइटोसिस ठीक है ये हो गया हमारा सेलुलर बैरियर जिसके अंदर मोनोसाइट्स आ गए लिम्फोसाइट्स आ गए न्यूट्रोफिल्स आ गए एंड माइक्रोफेजस आ गए ठीक है अब जो चौथा बैरियर है हमारा वो है कौन सा बैरियर साइटोकाइन चौथा बैरियर है साइटोकाइन बैरियर अब साइटोकाइन बैरियर के अंदर कौन आता है साइटोकाइन बैरियर के अंदर जो आता है देखो अगर मैं बोलूँ कि कोई वायरस है ठीक है मान लीजिए कोई वायरस अंदर आ गया अब वायरस अंदर आ गया तो उसने मान लीजिए कुछ सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया अब अगर उसने उस कुछ सेल्स को इन्फेक्ट किया तो वो जो इन्फेक्टेड सेल्स है ना जिनको मैं बोलूँगा वायरस वायरस इन्फेक्टेड सेल्स ठीक है वो क्या सीक्रेट करते हैं वो सीक्रेट करते हैं इंटरफ्रॉन्स ठीक है वो एक इंटरफ्रॉन सिक्रीट करते हैं वो क्या करता है अल्टीमेटली वो प्रोटेक्ट करता है दूसरे सेल्स को जो कि वायरस इन्फेक्टेड नहीं है जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं ना जो आपके नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है जो इंटरफेरॉन है वो कौन सिक्रीट करता है वायरस इन्फेक्टेड सल तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरफेरॉन को सिक्रीट कौन करता है वो सेल्स जो वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं किसको बचाने के लिए उन सेल्स को जो कि वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुए हैं तो ये कौन सा आ गया साइटोकाइन बैरियर तो चार बैरियर हमने पढ़े हैं फिजिकल फिजोलॉजिकल सेल्यूलर एंड साइटोकाइन बैरियर्स ठीक है ये हमारी थी इन्नेट इम्यूनिटी हमने क्या बोला इन्नेट इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है सिंस बर्थ और ये नॉन स्पेसिफिक टाइप होती है इसके बाद अब मैं बात कर रहा हूँ तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी की ठीक है हमने दो तरह की इम्यूनिटी पढ़ी थी इन्नेट एंड अक्वायर्ड तो अब अक्वायर्ड इम्यूनिटी अब अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो होती है पैथोजन स्पेसिफिक ठीक है मतलब कि वो पैथोजन पे डिपेंड करती है कि कौन सा पैथोजन है इन्नेट इम्यूनिटी में अपने क्या बोला था ये बोला था अपने नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है मतलब इसको किसी चीज़ से लेते नहीं है ये इन जनरल एज अ होल जितने भी माइक्रो ऑर्गनिजम्स हैं सबके लिए बराबर सी है ठीक है ना कोई सा भी आ जा जाए ये लेकिन ये पैथोजन स्पेसिफिक specific, ये स्पेसिफिकली अलग अलग पैथोजन के लिए होती है ये कैसे इसका ये करेक्टराइज होती है बाय इसका करक्टरिस्टिक फीचर क्या है मेमोरी ठीक है जैसे हम अगर कोई भी चैप्टर पढ़ लेते हैं उसको हम याद करते हैं तो उस तरीके से अगर हमने एक बार कोई चैप्टर पढ़ा ठीक है हमने उसको याद कर लिया हमने एक बार लेकिन इतना अच्छे से हमको याद नहीं रहता बीस से तीस परसेंट या हम चैप्टर याद कर पाते अगर लेकिन हम उसको बार बार रिवाइज़ करते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है वो चीज़ें बिल्कुल उसी यहाँ पे वही मैकेजम होता है मान लीजिए कोई पैथोजन है ठीक है वो बॉडी में आया फर्स्ट टाइम ठीक है बॉडी में फर्स्ट टाइम आया अब वो फर्स्ट टाइम आया तो ऑब्वियस ही बात है एक प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी बॉडी ठीक है मतलब ये एक है कि एक तरीके की डिफेंस मैकेनिज्म तो शो करेगी ना अपनी बॉडी कोई भी पैथोजन को एक डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है ताकि वो निकल जाए तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्स लेकिन वो थोड़ा लो इंटेंसिटी का होता है मतलब इतना इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि नया नया पैथोजन आया आपकी बॉडी पहली बार उसने देखा है आपने कोई चैप्टर नया नया चैप्टर आपने पहली बार पढ़ा है तो कितना समझ में आएगा थोड़े समझ में आएगा तो उसी तरीके से यहाँ पे होता है अब मान लीजिए कि सब्सिक्वेंट इनकाउंटर होता है उसी पैथोजन का मतलब वा दूसरी बार फिर आता है तो अब बार जाना पहचाना सा लगेगा ना बॉडी को ठीक है ना वो जो पैथोजन है अब तो आएगा तो अब की बार बॉडी कौन सा अब क्योंकि दूसरी बार आया तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी ठीक है इस सेकेंडरी रिस्पॉन्स को एक नाम और दिया जाता है विच इज़ एमनेस्टिक रिस्पॉन्स ठीक है अब सेकेंड टाइम आया ठीक है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया बॉडी ने उसको हमने क्या बोला एमनेस्टिक रिस्पॉन्स अब की बार जो आएगा जो रिस्पॉन्स होगा वो थोड़ी हाई इंटेंसिटी का होगा ना क्यों क्योंकि बॉडी के पास मेमोरी थी उस इनकाउंटर की उस पैथोजन की कि ऐसा पैथोजन तो पहले भी मैंने देखा है इसके खिलाफ मैंने पहले भी एंटीबॉडीज़ बनाई थी पहले भी मैंने इसके खिलाफ एक रिस्पांस प्रोड्यूस किया था तो बॉडी के पास मेमोरी थी ना तो उस मेमोरी की वजह से बॉडी ने एक और रिस्पॉस दूसरी बार जो रिस्पॉन्स था वो थोड़ा हाई इंटेंसिटी का प्रोड्यूस किया ठीक है ये आ गया अब अगर मैं बात करूँ ये जो हम जो अक्वायॉयर्ड इम्यूनिटी में पढ़ रहे हैं दोनों रिस्पांस चाहे से हम प्राइमरी रिस्पांस पढ़ रहे हों या चाहे से हम लोग सेकेंडरी रिस्पांस पढ़ रहे हैं ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये कैसे कैरी आउट करते हैं जैसे वहाँ पे तो इन जो इन्नेट इम्यूनिटी थी उसमें तो हमने बोल दिया बैरियर्स थे तो इसमें क्या है ऐसे इसमें लिफोसाइट्स होते हैं ठीक है जिनकी मदद से ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है और कैसे स्पेशल लिम्फोसाइट्स होते हैं ठीक है दो होते हैं एक तो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स बी लिफोसाइट्स एज वेल एज टी लिम्फोसाइट्स तो अभी काम क्या करते हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट तो ये जो आपका बी लिम्फोसाइट है ये तो एक प्रोटीन्स की आर्मी बनाता है ठीक है क्या करता है ये प्रोटीन्स की आर्मी बनाता है ये अब वो जो प्रोटीन्स की आर्मी बनाता है किसके खिलाफ़ बनाएगा ऑब्वियसली जो भी पैथोजन आ रहा है इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में आया ठीक है तो उसके खिलाफ एक प्रोटीन्स की आर्मी बनती है ठीक है अब वो जो प्रोटीन्स बनते हैं ना उसको नाम दिया है एंटीबॉडीज उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज ठीक है अब इस एंटीबॉडीज के और भी नाम हैं ठीक है इसको हम और भी बोल सकते हैं एग्लूटिनिन ठीक है या फिर इम्यूनोग्लोबिल्स ठीक है तो क्या बनाया बी बी सेल्स ने बनाए आर्मी ऑफ आर्मिओप्रोटीन्स विच आर नोन एज एंटीबॉडीज इसी तरीके से जो टी सेल्स होते हैं जो आपके टी लिम्फोसाइड्स होते हैं वो एंटीबॉडीज नहीं बनाते हैं ठीक है वो एंटीबॉडीज नहीं बनाते हैं लेकिन वो हेल्प करते हैं बी सेल्स को ताकि एंटीबॉडीज़ बन सकें और भी रोल्स होते हैं टी सेल के वो हम आगे पढ़ेंगे पर फिलहाल काम की बात यह है कि जो टी इम्फोसाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं इनको हेल्प करते हैं बी सेल्स को ताकि एंटीबॉडी ज़्यादा से ज़्यादा बन सकें ठीक है तो इसलिए अब अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज़ होती है ठीक है हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज़ होती है जैसे कि आई ठीक है आई जी ई आई जी ए आई जी जी ठीक है ये अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज़ होती है अब क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ कहाँ पाई जाती है ये पाई जाती है ब्लड में ठीक है भाई जो भी आर्मी और जो भी ना प्रोटीन्स की आर्मी बनी वो सब कहाँ पे जाएगी ब्लड में जाएगी क्योंकि कोई भी पैथोजन अगर आता है तो अपन क्या बोलते हैं बॉडी में कैसे घूमेगा ब्लड के थ्रू जाएगा इसलिए जो है ना एंटीबॉडीज जाएगी वो भी ब्लड में मिलेगी आपको अब वो ब्लड में मिलेंगी इसलिए अपन इस रिस्पॉन्स को ये जो रिस्पॉन्स है जो कि बी लिम्फोसाइड्स के थ्रू हो रहा है इसको बोलते हैं अपन यूमोरल रिस्पॉन्स यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स ठीक है यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स क्योंकि ये ब्लड के अंदर होता है ठीक है अगर इसी तरीके से मैं बात करूं जो टी सेल का जो रिस्पॉन्स होता है इसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ठीक है दिस इज नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आज के लिए बस इतना ही बाकी कल कंटिन्यू करेंगे